ये देखिए ये है अमावट 80, इससे पहले हम ट्राई नहीं किए हैं। अमावट का एक अपना फ्लेवर है और साथ में ये जो लस्सी का अपना एक फ्लेवर, दही का एक अपना फ्लेवर, तो दोनों मिलके गजब लग रहा है, मज़ा आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक फ्रेश न्यू हिंदी ब्लॉग में। और आज हम लोग आ चुके हैं मतलब इंडिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट मंगलार हाट, जो कि सिर्फ मंगलवार को लगता है पश्चिम बंगाल कोलकाता में। और फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं, ये जो देख पा रहे हैं बिल्डिंग, ये है हावड़ा पोस्ट ऑफिस और इसका ठीक अपोजिट में है हावड़ा कोर्ट। तो ये मैदान का ही इलाका है, हावड़ा मैदान का इलाका है। और यहाँ पर हम लोग आज फिलहाल बहुत कुछ ट्राई करने वाले हैं और आप लोगों को पूरा होलसेल मार्केट भी दिखाएंगे। उससे पहले आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का एक फेमस लस्सी, जो कि मैंने सुना है कि यहाँ के जो वकील है अपना कोर्ट केस ख़त्म करने के बाद मतलब बेताब रहते हैं वो लस्सी पीने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा दिखाइए, ये देखिए ये है कोर्ट और ठीक उसका बगल में ही बैठते हैं वो अंकल जिनके पास मिलता है ये फेमस लस्सी, 30 का मिलता है, 50 का मिलता है और उसमें बहुत कुछ डालते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए उनके पास जाएंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे वो कैसे किस दाम में ये लस्सी बेचते हैं, क्या क्या उसमें मिलाते हैं, कितने सालों से बेच रहे हैं, ये सब कुछ उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अंकल नमस्ते। हाँ बोलिए। आपका नाम? हमका नाम बंकिम तालुकदार। हाँ तो आपका यहाँ पर फेमस बहुत है लस्सी आपका। हाँ सुन, कितना दिन से बेच रहे हैं? अरे कम से कम 22 साल। 22 साल? हाँ। तो आपका एड्रेस थोड़ा सा बोल दीजिए। हाँ हावड़ा कोर्ट आए। अच्छा हावड़ा कोर्ट के सामने। हाँ हावड़ा कोर्ट के सामने। तो ये लस्सी किस चीज़ का दूध का बनाता है, गाय का या भैंस का? भैंस का दूध। अच्छा क्या क्या डालते हैं इसमें? काजू डालते हैं, किशमिश डालते हैं, चीनी डालते हैं, खोआ डालते हैं, हाँ आम सर डालते हैं। हाँ प्राइस क्या रखते हैं? प्राइस आपको 30, 40, 50। और यहाँ पर ये वकील लोग आते हैं कि नहीं? हाँ आते हैं, मतलब केस खत्म करने के बाद वकील लोग आते हैं। हाँ पीने आते हैं। तो हम लोग के लिए बनाइए। हाँ आपको आप लोग बना रहा ठीक है। थोड़ा चीनी लगाओ। हाँ थोड़ा सा दो, थोड़ा सा। बस बस बस। ये क्या डाले? ये आपको मीठा, उसमें मीठा लस्सी डाला, थोड़ा हल्का चीनी कर दिया आपको, हल्का मीठा। और ये दही है? ये दही है। आइए मलाई डालो, मसाला डालो। ये क्या मसाला है? ये आपका जीरा, जीरा काला नमक घोल के, हाँ घोल के, हाँ लस्सी का मसाला है ठीक है। एक काजू किशमिश डाला है, एक आम सर डाला है, एक खोआ डाला है, इसके बाद चम्मच दिया है ठीक है। आइए तो ये रहा फ्रेंड्स हावड़ा कोर्ट का सबसे फेमस लस्सी, जो कि प्योर भैंस का दूध का बना हुआ है। और इसमें आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये है खोआ खीर और ये है काजू किशमिश और जो अमावट होता है आम का अमावट, वो अमावट दिया गया है और जीरा गोलकी धनिया ये सब का एक पाउडर दिया गया है। और जैसा कि यहाँ पर सुने हैं कि यहाँ पर वकील अपना केस ख़त्म करते साथ ही यहाँ पर टूट पड़ते हैं इस लस्सी के लिए, इतना ज़्यादा फेमस है ये लस्सी। तो चलिए आज हम लोग को भी ये मतलब मौका मिला है एक बार टेस्ट करने का, तो ज़रूर टेस्ट करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि ये लस्सी पीने में कैसा है। चलिए अब पी के देखते हैं। तो ये रहा मलाई ऊपर से और ये काजू वगैरह के साथ लेते हैं। तो अभी सुबह का बज रहा है 10:30, लगभग 10:20 हो रहा है और इस तरह सुबह सुबह गर्मी इतना ज़्यादा है अभी हावड़ा इस मैदान इलाका में, और उसमें अगर इस तरह का एक लस्सी मिल जाए तो मूड रिफ़्रेश हो जाता है। तो चलिए और थोड़ा सा टेस्ट करते हैं खोआ खीर के साथ। मज़ा आ गया।
एकदम ठीक है, गाढ़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पतला ये लस्सी है, पूरा गाढ़ा है, देख पा रहे इस तरह का थिकनेस आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो चलिए और थोड़ा सा पीते हैं। तो अगर कभी आप लोगों का इधर हावड़ा कोर्ट अगर आना हो और उसी के सामने बैठते हैं ये अंकल जो बेचते हैं यहाँ का सबसे फेमस लस्सी, जिसे पीने के लिए यहाँ के वकील बेकरार रहते हैं। तो चलिए इसे मैं पीकर करता हूँ कंप्लीट और मिलते हैं किसी नेक्स्ट आइटम को लेकर। और इसके बाद में डोसा है, इधर में डोसा है, एक केला पत्ता में, जी केला पत्ता में रहते हैं मोरा हुआ। अच्छा, उसके बाद में ये हो गया हमारा, चटनी में ढाल के भिजा के बेचते हैं, सूखा वड़ा भी रखते हैं जी। उधर क्या है? इधर में सूखा वड़ा रखते हैं, जो जिनको सूखा वड़ा खाने का मन होगा सूखा वड़ा खाएंगे, भिजा हुआ खाएंगे तो यहाँ से देंगे। अच्छा अच्छा जी। इधर में सिर्फ मंगलवार को आते हैं जी। 1500 के आसपास में सेल कर लेते हैं, 1500 के आसपास। 1500 के आसपास जी। जी वही 120 पीस इडली जी, बड़ा वही 15-20 जी, डोसा 10 पीस जी। इधर मंगलवार को आते हैं, दो दिन मोटिया ब्रुज जाते हैं, शनिवार रविवार, और उसके बाद में बाकी का दिन बड़ा बाजार में बिक्री करते हैं। अच्छा। मार्केट में परिवार से चल जाता है जी, मोटा मोटी हो ही जाता है, 400-500 रुपया रोज का हो जाता है। अच्छा। में कितना इनकम हो जाता है? वही 400-500 रुपया रोज का जी। जी पोस्ता माला पारा पोस्ता जी। हर मंगलवार को हम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यही मंगला हाट में भेंट होते होंगे। हर मंगलवार को 8 बजे से लेकर 10 बजे जी, 12 बजे तक जी। तो ये प्लेट कितना लेते हैं इडली और बड़ा मिला? 20 रुपये का एक प्लेट। सादा चटनी नारियल वाला है और ये लाल चटनी है, इसमें टमाटर मिक्स रहते हैं दाल का साथ में, टमाटर मिक्स। लाल चटनी टमाटर और किससे बनाते हैं? चना का दाल भुजा हुआ रहते हैं जी, भुजा हुआ चना डाल रहते हैं। और ये मसाला है चाट मसाला। ये क्या मसाला डाले? चाट मसाला, चाट मसाला जी, इसमें हल्का नमक भी मिक्स रहते हैं बीट में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग प्रॉपर खड़े हैं मंगलार हाट में, जैसा कि आप लोगों को पहले ही हम बोले, अभी हम लोग खड़े हैं, ये देखिए भीड़ भाड़ है। अभी तो फिलहाल बज रहा है लगभग 11:30 और यहाँ पर मार्केट लगभग ख़त्म हो चुका है, वरना अगर सुबह सुबह आए तो यहाँ पर इतना रश रहता है कि आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे सही से। अभी बहुत ज़्यादा रश है, साउंड में या तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सुनने में, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अभी जैसा कि हम लोग ये भैया से बनवा लिए यहाँ का इडली और यहाँ का बड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा इस मंगलार हाट का फेमस है, मतलब दिन भर में इनका 1500 इडली सेल हो जाता है, तो समझ पा रहे हैं कितना ज़्यादा फेमस हो सकता है। तो चलिए हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं इनका ये बड़ा और इडली कैसा है, साथ में यहाँ पर चटनी वगैरह दिए हैं। तो चलिए ये रहा, ये लेते हैं फर्स्ट बाइट। तो चलिए और एक बाइट लेके देखते हैं कैसा लगता है।
साउथ इंडियन टच। तो साउथ इंडियन इडली हम बहुत खा चुके हैं, बिल्कुल साउथ इंडियन लोगों के हाथों से, तो आज खा कर एकदम एग्जैक्ट वैसा ही टेस्ट आया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बड़ा ट्राई करके देखते हैं कि बड़ा कैसा लगता है। बट इडली और इसका जो चटनी है मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए, ये खा के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट और देखते हैं यहाँ पर इस मार्केट में क्या क्या मिलता है और आप लोगों को भी दिखाने का कोशिश करते हैं। चलिए आए बाबू, 400 भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया, बोलिए। आपका नाम? मनोज कुमार साहब। अच्छा, आपका दुकान का नाम? बोल भाई बोल। आपका एड्रेस हम लोग फांसी तला मोड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है? ये मिक्स पनीर है। अच्छा, ये मिक्स पनीर। हाँ, ये शाही पनीर है। ये शाही पनीर, टेक्सचर तो बहुत अच्छा है। और देखिए शाही पनीर है। अच्छा, ये मटर है। अच्छा, मटर का कितना प्राइस? सब एक प्राइस 65। अच्छा, खाइएगा 30 रुपया। अच्छा, ये कितना है? तड़का 20 रुपया। अच्छा, ये तड़का है 20 रुपया। इधर ये 30 रुपया का राइस है। अच्छा, राइस है ये 30 रुपया, फ्राइड राइस ना। और यहाँ पर ये चिकन, ये चिकन है 40 रुपया पीस। अच्छा, ये 40। यही सब आइटम बस अवेलेबल है। कितना बजे तक आपका दुकान खुला है? सुबह 10 से 12, 11। अच्छा, रात का 10 बजे बंद हो जाता है। ये सब आइटम मिल जाता। चलिए ठीक है। हाँ, बेसी बनता नहीं, कम बनाता आदमी, बिक्री होगी बनाया नहीं तो बेच छोड़ दिया। अच्छा, साथ में तंदूरी रोटी भी? तंदूरी रोटी और रुमाली। तंदूरी रोटी का क्या प्राइस है? 6 रुपया। और रुमाली रोटी का? 8 रुपया। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जो मंगलार हट है वो घूमते घूमते अभी लंच का टाइम हो गया है, और लंच का टाइम में हम लोग अभी आ गए हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पीछे है बोल भाई बोल। तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पर वेज बोलिए नॉन वेज बोलिए हर तरह का आइटम यहाँ पर मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है ये देखिए, तो ये है मिक्स वेज पनीर, और इधर देखिए ये है पनीर बटर मसाला, बहुत ही थिक ग्रेवी है, देख के मुंह में भैया पानी आ रहा है। और ये है चना मसाला। तो ये तीन तरह का आइटम के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर ये देखिए राइस, तो राइस का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 30 रुपया प्राइस है हर एक आइटम का, यहाँ पर 30 रुपया करके प्राइस है जो भी लीजिए। तो चलिए अब थोड़ा सा पहले हम लोग चना मसाला जो है उसके साथ थोड़ा सा ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा यहाँ का टेस्ट है। यहाँ पर हर एक चीज़ में पोस्ता दाना और मगज का लेकिन इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण खाने का स्वाद ही लेकिन बदल जाता है। जिस भी चीज़ में आप पोस्ता दाना और मगज दाना यूज़ करेंगे उसका स्वाद बदल जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा फर्स्ट बाइट लेते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त। ये देखिए फ्राइड राइस में भी यहाँ पर पनीर का यूज़ किया गया है। तो नॉर्मली फ्राइड राइस में कहीं भी पनीर का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा जाता है, बट यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अच्छा लगा खा के। और थोड़ा सा लेते हैं। और अब खा के देखते हैं। पोस्ता और मगज का जो स्वाद है वो खिल खिल के आ रहा है। तो चलिए इसे खा लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिखाते हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं ये जो मिक्स वेज पनीर है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं कैसा लगता है खाने में। तो थोड़ा सा लेते हैं पहले। तो बहुत कुछ है इसमें भी, मटर है, पनीर है, और कुछ वेज वगैरह वेजीज वगैरह है। तो इसको लेके पहले देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा पहले ऐसे ही खा के देखते हैं कैसा लगता है। मतलब दो आइटम खाएं और दोनों आइटम एक से एक ज़बरदस्त खाने में। इस होटल का नाम याद रखिए बोल भाई बोल, और एड्रेस अब मैं बता देता हूँ। ये है हावड़ा मैदान का जो लाइब्रेरी है, जस्ट लाइब्रेरी का ऑपोजिट में ही ये दुकान है बोल भाई बोल। तो एड्रेस मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से, ताकि आप लोगों को यहाँ पर आने में परेशानी ना हो। अगर आप लोग कभी भी हावड़ा मैदान में या फिर मंगलार हाट में मार्केटिंग वगैरह करने आए हो तो इस दुकान में ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि यहाँ का हर एक आइटम मुझे ज़बरदस्त लगा। और थोड़ा सा खा के देखते हैं। मज़ा आ गया। चलिए अब थोड़ा सा राइस के साथ खा के देखते हैं कैसा लगता है। मज़ा आ गया।
पनीर देखिए यहाँ का इतना सॉफ्ट है। ये देखिए मैं और एक पनीर तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब जस्ट थोड़ा सा प्रेस कर रहे हैं और पनीर कट जा रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, दांत में पड़ते साथ ही मेल्ट हो जा रहा है पूरा मुँह में। मतलब मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा यहाँ पर खाने का आइटम मिल जाएगा, जितना सोचे थे उससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, मज़ा आ गया। तो चलिए इसे खा लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ नेक्स्ट यहाँ का जो बटर पनीर मसाला है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ का जो बटर पनीर मसाला है, बटर पनीर मसाला का टेक्सचर देखिए थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा अलग है दिल्ली वगैरह स्टाइल से, थोड़ा सा अलग है क्योंकि दिल्ली वगैरह में जो तो रहता है वो कलर थोड़ा सा पीला येलो कलर का रहता है, येलोविश रहता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा कलर अलग है। तो पहले थोड़ा सा ऐसे ही खा के देखते हैं कैसा है। तो जैसा कि कलर अलग है तो टेस्ट भी थोड़ा सा अलग है, बट खाने में ज़बरदस्त लग रहा है, थोड़ा सा मिठास है जिसके कारण मतलब तीखा और मीठा का बैलेंस ज़बरदस्त लग रहा है। तो और थोड़ा सा लेके देखते हैं, हाँ पनीर थोड़ा सा देखते हैं कैसा है यहाँ का। ये देखिए एकदम बिल्कुल सॉफ्ट पनीर, हाँ मुँह में जाते साथ मतलब मेल्ट हो जा रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा राइस के साथ लेके देखते हैं कैसा है। तो यहाँ का हर एक आइटम जो भी हम खाएं बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात कि किसी में ज़्यादा तीखापन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप तीखा खाना पसंद नहीं करते और यहाँ पर खा नहीं पाइएगा, हर एक आइटम आपका खाने लायक है और ज़्यादा तीखा भी नहीं है जिसके कारण खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा और लेते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। मज़ा आ गया, तो मुझे तो खाकर आ गया मज़ा, वीडियो देखकर आपको कितना मज़ा आया ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में कुछ नया धमाल लेकर, तब तक के लिए गुड बाय। तंदूरी रोटी दीजिए तो।